25 आए, 26 आए, 27 आए, नमस्ते नमस्ते, 28 आए, 30 आए, मेंढकी, 30 आए मेंढकी, भाभी, फिर मार कहाँ है ना वहाँ से? तुझसे कितनी दफा कहा है कि उस पहलवान की बेटी को छोड़कर किसी और पे डोरे डाल? नहीं नहीं साहब जी नहीं, मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ सुंदरी से, एकदम सच्ची मोहब्बत। शादी करूंगा तो सुंदरी से करूंगा, नहीं तो कभी नहीं करूंगा, चाहे उसका बाप मेरी जितनी मर्जी पिटाई कर ले। ये बात है तो ठीक है, मैं भी तेरे साथ हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं, आप भी सुंदरी से ही मोहब्बत करेंगे खटिया बिछा के? पागल बे, मुझे खटिया बिछाने की क्या जरूरत है, मेरा काम तो राइट टर्न लेफ्ट टर्न चलता ही रहता है। मैं तेरे साथ हूँ कहने का मतलब है कि मैं तेरी शादी सुंदरी से करवा दूंगा। आप सच कर रहे हो सेठ जी? अच्छा तू ये काम कर सकता, तू सुंदरी को किसी तरीके से घर से उठाकर ला सकता लेफ्ट टर्न मार के? सेठ जी आप मुझे छुट्टी दो, मैं अभी जाकर अभी लेता हूं। तो फिर एक काम में देरी क्या है, जल्दी जा लेफ्ट टर्न मार के, मैं तेरा राइट टर्न मरवा दूंगा। तो अभी जा, दो कपड़े उतार, जल्दी जा, जा। ओ कपड़े मत उतारियो, कपड़े बदल के जाइयो, भरोसा भी नहीं है इसका। दरवाजे की आवाज सुन ली ना तो मेरी आवाज हमेशा के लिए बंद कर देगा खटिया बजा के। आजा। लेकिन इधर से कैसे? तू जा अंदर से चादर लेके आ, बताता हूँ तेरे को, जा। जल्दी जमीन आ गई गद्देदार, ये क्या है भाई? बापू बापू नहीं नहीं बापू, मेरी बेटी को लेकर भागता, आ जा बापू, ले दो बापू, बस कर बस कर बापू, बस कर, आ जा फिर से, देख लूंगा तेरी तलवारी बुला दूंगा, देख लूंगा। तो तूने जिंदगी में लेफ्ट टर्न मार ही दिया। पता नहीं मुझे तो राइट लेफ्ट हर टर्न पे तारा ही तारा नजर आती है। अरे ये कोठे के तारे रात को ही खूबसूरत लगते हैं प्यारे, आंख खुलने पर सपना खत्म। घनश्याम मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी आंखें सिर्फ तारा के लिए और तारा है मेरी आंखों के लिए। ये तारा ने क्या तारे दिखा दिए इसे? मैं आपके बुढ़ापे के सहारे के लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूं, 2 लाख है। 2 लाख आपके लिए। मेरे लिए? तारा तारा तेरी किस्मत खुल गई। बड़े मौके पे आए हैं आप। मौका तो मुझे चाहिए तुम्हारे करीब आने का। ये लो चाबी। तुम इस गंदे माहौल में रहने के लिए नहीं हो, मैंने तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदा है। Oof.
समझ में नहीं आता क्या करूं। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रहे हैं। कोई चारा नहीं, फैक्ट्री गिरवी रखनी ही पड़ेगी। क्यों? अचानक 2 लाख की जरूरत पड़ गई। फैक्ट्री के लिए कुछ नई मशीनों का ऑर्डर दिया था, मगर कमबख्त बैंक ने लोन देने से इनकार कर दिया। पहले भी 1 लाख रुपए कर्ज लेकर कंपनी को एडवांस भेजा था, अब मशीनें आएंगी और न कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास पैसे हैं ना मशीनें खरीदने के लिए। मगर तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों नहीं, क्या मैं आपसे अलग हूँ? और सिर्फ 2 लाख ही तो बात है, आप मेरे पिताजी को लिख दीजिए। नहीं नहीं, वो सोचेंगे मैंने उनकी दौलत के लिए तुमसे शादी की है। नहीं नहीं, मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, वो तो आपको अपना बेटा मान चुके हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं उनसे पैसे मंगवा लेती हूँ। हाँ, ऐसा आप कह रहे थे वो कि बहुत पैसा है, दोनों हाथों से लुटाओगे तो भी खत्म नहीं होगा। आप कौन सा लुटाने के लिए मांग रहे हैं, बिजनेस के लिए तो जरूरत है। हाँ, बिजनेस के लिए तो मैं अभी खत लिख देती हूँ उन्हें। अच्छा, ऐसा करो जब चिट्ठी लिखी रही हो तो ये भी लिख देना कि ड्राफ्ट मेरे ही नाम पर भेज दें, क्या बाद में खमखा तकलीफ। अब जेवर गिरवी रखकर पैसे ले लीजिए। जेवर? कौन से जेवर? मेरे जेवर, माँ जी ने अपनी तिजोरी में रखे हैं। जेवर मैंने तिजोरी में रख दिए हैं? हाँ, रूपा और रूपा। क्या है माँ, जरा सुन तो, बहू क्या कह रही है, इसके जेवर तुमने तिजोरी में रख दिए हैं। हाय भाभी, ये क्या कह रही हो? तब्बा तब्बा, मेरे हाथ नहीं टूट जाए जो तुम्हारा एक भी जेवर मैंने छुआ हो ना। क्या आप दोनों ने मिलकर ही तो उतारे थे मेरे बदन से? लोग तो अपनी बेटियों के लिए क्या क्या नहीं करते, और इसका बाप 2 लाख तक नहीं बेच सकता। और वैसे तो बोलता था कि मेरी एक ही बेटी है, जो कुछ है उसका है, उसके पति का है। क्या खाक है, मरते वक्त सब छाती पे बांध के ले जाएगा। भगवान, अब तो इस घर में पूजा पाठ भी नहीं हो सकता, मैं तो जाती हूँ मंदिर। मैं भी चलती हूँ माँ। रेखा, आप ही का नाम है जी? ये रजिस्टर्ड लेटर है, साइन कर दीजिए। थैंक यू पिताजी, अब उनकी चिंता दूर हो जाएगी, उन्हें फैक्ट्री नहीं बेचनी पड़ेगी। मैं अभी जाकर उन्हें ये ड्राफ्ट दे आती हूं। सुनो, विजय साहब हैं? जी हाँ, अंदर हैं। अरे तू वाकई बहुत खुशकिस्मत है यार, वरना इतनी खूबसूरत और दिल से चाहने वाली औरत, अरे किसे नसीब होती है यार। यार वो चेहरे से ही नहीं, दिल से भी हसीन है, इसीलिए तो मेरे दिल की जबान पर हमेशा एक ही नाम रहता है, तारा, तारा। लेकिन एक बात है यार, तुमने कभी सोचा कि अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया? कैसे पता चलेगा, उसने मुझसे पूछा था। हाँ फिर? फैक्ट्री रात में क्यों जाते हो? मैंने कहा बिजली की कटौती है, करंट रात में ही मिलता है। फौरन मान गई। अरे माता पिता, कुछ भी कहो यार, तारा का जवाब नहीं, उसे देखते ही वो शेर याद आ जाता है। उफ, वो मरमर सा तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले उसे ताजमहल कहते हैं। ताजमहल कहते हैं, वाह मेरे शाहजहां, वाह 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 वाह। ऐसा है कि मकान तो तूने ले दिया उसे, अब छोटा सा ताजमहल भी बनवाई डाल। जिंदगी रही तो जरूर, वरना ख्वाहिश एक ही है कि मौत उसकी बाहों में ही हो।
इतना बड़ा विश्वासघात। वो किसी दूसरी औरत को चाहते थे तो मेरे साथ शादी क्यों की? क्यों की मुझसे शादी? ये बेवफाई मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बर्दाश्त नहीं करेगी तो क्या करेगी? अगर उन्होंने उस औरत को नहीं छोड़ा तो मैं उन्हें छोड़ दूंगी। क्या तू तलाक लेगी? तलाक लेगी तू? तू तलाक लेगी? तलाक लेगी तू? तलाक 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 तलाक। मैं एक प्रगतिशील औरत हूं। अगर मेरे पति मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो कानून ने मुझे तलाक लेने का अधिकार दिया है। बेशक दिया है, मगर शादी के बाद तू पत्नी है और तेरा पतिव्रत धर्म तुझे। मैं उस धर्म को मानने को तैयार नहीं जो औरत को आदमी के बराबर न समझे। बराबर क्या, हमारा धर्म तो औरत को आदमी से कहीं ज्यादा इज्जत देता है। और क्यों नहीं, औरत जननी है, वो आदमी को जन्म देती है, इसीलिए वो पूज्य है। हमारे देश के लाखों देवी मंदिर इस बात की साक्षी है कि यहाँ औरत की पूजा होती है। पूजा होती है सिर्फ मंदिरों में, घरों में नहीं, सिर्फ माँ के रूप में, पत्नी के रूप में नहीं। पत्नी ही तो माँ बनती है। मगर मुझे अपने पति से पत्नी का अधिकार चाहिए। मैं कमजोर औरत नहीं हूँ, मैं अपने पति का कोई अन्याय नहीं सहूंगी। चुपचाप अन्याय सहना कमजोरी है, मगर अन्याय करने वाले को चेतावनी देकर, मुकाबले की घोषणा करके, मन की दृढ़ता से मगर अहिंसा से उसके अन्याय का अंत देखना कमजोरी नहीं, शक्ति है। शक्ति? शक्ति कैसे हुई? औरत की तुलना धरती से क्यों की जाती है? इसलिए कि औरत में भी वही गुण है जो धरती में है। धरती क्या कुछ नहीं सहती, हल कुदाल भूकंप बड़े बड़े विस्फोटों से कितना छलनी होता है उसका दिल, मगर वो कभी विद्रोह नहीं करती, कभी तलाक नहीं लेती। वो तो इंसान को जीवन के सारे खाद्य पदार्थ देती है। धरती पर इतना अन्याय करने के बाद भी इंसान को जीने के लिए, पलने के लिए, यहां तक कि मरने के लिए भी धरती की गोद चाहिए। यही धरती की जीत है। तुझे भी जीतना है, अपने भटके हुए पति को सही रास्ते पर लाना है। मगर ये जानते हुए कि वो दूसरी औरत को चाहते हैं, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये घर शादी के बाद तेरा घर है। तू अपने इस अधिकार को छोड़कर चली गई तो ये घर टूट जाएगा। औरत घर जोड़ती है, घर तोड़ती नहीं। अपने आत्मबल और सहन शक्ति पर विश्वास रखेगी तो एक दिन तेरा पति निश्चय ही तेरे पास क्षमा मांगने आएगा, और वो दिन तेरी जीत का दिन होगा। वो दिन तेरी जीत का दिन होगा। वो दिन तेरी जीत का दिन होगा।